कुछ तरीके हैं जो मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं बचपन में दूध को पहचानने के लिए। अभी तो खैर इतना समय ही नहीं मिलता है दूध को पहचानने के लिए, अभी तो हम वही पैकेट वाला दूध लाते हैं और उसे ही यूज़ करते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप ग्वाला से दूध खरीद रहे हैं तो कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि दूध में पानी कम मिलाने का, अगर आप देखना चाहते हैं कि ग्वाला कहीं आपका बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं मिला रहा है, उसके लिए क्या करिए, आप उंगली डालिए दूध में और उसको ऐसे ऊपर करिए, तो जो दूध जो होगा, असली दूध जो होगा, वो आपकी उंगलियों से चिपका रहेगा, वो तुरंत नहीं गिरेगा टप से। बाकी अगर दूध में अगर पानी मिला रहेगा तो वो तुरंत आपके हाथ से चू जाएगा उसमें, और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि अच्छा ये दूध में जो है पानी मिला हुआ है। ऐसे ही अगर आप दूध में, एक और तरीका है आपको पता लगाने का, आप क्या करिए, दूध की जो दो बूंद जो है उसको किसी लकड़ी या पत्थर पर गिराइए। अगर दूध जो है बहकर नीचे की तरफ चला जा रहा है और सफ़ेद निशान बन जाए तो समझिए कि दूध पूरी तरीके से शुद्ध है और उसमें पानी नहीं मिला हुआ है। बाकी आजकल आपको पता ही होगा दूध में बहुत सारी चीज़ें लोग मिलाने लगे हैं, डिटर्जेंट मिला रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं, तो अब इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दूध में अगर आपको डिटर्जेंट का पहचानना है तो दूध की कुछ मात्रा को एक कांच की शीशी में लीजिए और उसको ज़ोर से हिलाइए। अगर दूध में झाग निकलने लगे तो इस दूध में आप मान लीजिए कि डिटर्जेंट मिला हुआ है, और अगर यह झाग जो है देर तक बना रहे तो दूध के नकली होने में समझिए कोई संशय नहीं होना चाहिए, आप कंफर्म हो जाइए कि हाँ इस दूध में जो है डिटर्जेंट मिला हुआ है। ऐसे ही एक तरीका तो ये भी है कि आप दूध को सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं। अगर दूध अगर नकली है तो उसमें हल्की सी आपको, मतलब डिटर्जेंट अगर उसमें मिला हुआ है तो साबुन की गंध सी आएगी, और अगर असली है तो नॉर्मल सी बात है, ऐसी गंध बिल्कुल नहीं आएगी। एक और तरीका है, दूध को क्या करिए, दोनों हाथों में रगड़ कर देखिए। अगर दूध असली है तो सामान्य सी बात है, उसमें जो है थोड़ी सी आपको चिकनाहट महसूस होगी, लेकिन अगर दूध नकली है तो इसे रगड़ने पर बिल्कुल वैसी ही जो है चिकनाहट महसूस होगी जैसी कि डिटर्जेंट को रगड़ने पर होती है। और अगर मान लीजिए असली दूध है तो अगर आप उसको उबालेंगे तो कभी रंग नहीं बदलेगा, लेकिन नकली दूध जैसे आप उबालेंगे उसका रंग जो है पीला पड़ जाएगा। अब आते हैं यूरिया वाले केस में, अगर मान लीजिए यूरिया मिला हुआ है किसी दूध में तो वो दूध जो होगा ना वो थोड़ा सा गाढ़े पीले रंग का हो जाता है, और कई कई बार ऐसा होता है लोग जब ऐसा गाढ़ा पीला रंग हो जाता है लोग सोचते हैं गाय का दूध है, बहुत शुद्ध है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और वैसे ही जब आप उसको जब थोड़ा सा चखेंगे तो दूध का जो असली स्वाद जो है वो हल्का सा मीठापन होता है दूध में, लेकिन नकली दूध में जो होता है डिटर्जेंट या सोडा या मान लीजिए यूरिया मिलने की वजह से उसमें हल्की सी कड़वाहट सी आ जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। आजकल दूध में मेजरली यही तीन चीज़ें हैं जो मिलाई जाती हैं, एक तो लोग पानी मिलाते हैं, एक डिटर्जेंट मिलाते हैं और एक यूरिया मिलाते हैं। अब सोचिए, मैं तो ये सोच रहा था कि डिटर्जेंट और यूरिया जो लोग मिलाते हैं, सोचिए कितना ज़्यादा हानिकारक हमारे सेहत के लिए। हम वो दूध पीते हैं ये सोचने के लिए कि हमें फ़ायदा करेगा, बल्कि उल्टा वो नुकसान करता है। धन्यवाद।